Very good morning, students. Welcome to Fun and Learn Home Learning. Today I am presenting computer subject for standard 5th. Chapter 5, Microsoft Excel, Part 2. Part 2 में बच्चों हम आगे का हमारा chapter discuss करेंगे, उसके points. Okay? So let's start. बच्चों अभी लास्ट पार्ट में हमने इंसर्ट रो एंड कॉलम देखा था, राइट? अभी वही इंसर्ट किए हुई कॉलम है और रो है, हम डिलीट भी कर सकते हैं. यू कैन रिमूव कॉलम और रो दैट यू नो लॉन्गर नीड इन योर वर्कशीट. आपके काम की चीज नहीं है तो यू कैन डिलीट, है ना. व्हेन यू डिलीट द एंटायर कॉलम और रो, एक्सेल डिलीट एनी existing data within the selected cell. वो कॉलम, जो भी सिलेक्टेड कॉलम है या रो है, उसके अंदर जितना भी डेटा है वो एक्सेल डिलीट करेगा, है ना. एक्सेल ऑल्सो मूव ओवर द अदर कॉलम एंड रो टू फिल द स्पेस लेफ्ट बाय डिलीटिंग. जैसे ही डिलीट हो जाता है तो उस जो कॉलम हमने डिलीट किया तो उसके राइट साइड का जो भी नेक्स्ट कॉलम है वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, है ना. सो डिलीट करने के लिए हमको क्या करना है, राइट? रिपीट करना है. क्लिक ऑन होम टैब रिबन, फिर क्लिक ऑन डिलीट, क्लिक ऑन डाउन एरो ऑफ द डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करना है. क्लिक द डिलीट शीट कॉलम, फिर सिलेक्ट करना है डिलीट शीट कॉलम, तो कॉलम विल बी डिलीट, है ना. जो भी कॉलम हमको डिलीट करना है उसको सिलेक्ट करना है. होम टैब पे जाना है, डिलीट शीट कॉलम पे क्लिक करना है, तो हमारी कॉलम डिलीट हो जाएगी और जो भी उसके नेक्स्ट कॉलम होगी वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी. गॉट इट बच्चों? नाउ डिलीट अ रो. डिलीट अ रो, जो डिलीट रो हमको डिलीट करनी है उसको हम पहले सिलेक्ट कर देंगे. सो क्लिक ऑन द हेडिंग ऑफ रो दैट यू वांट टू डिलीट. जो हमको डिलीट करनी है वो सिलेक्ट करना है. फिर क्लिक ऑन द होम टैब ऑन द रिबन. होम टैब पे जाना है. क्लिक ऑन डाउन एरो ऑफ द डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करना है. क्लिक द डिलीट शीट रो, उस पर क्लिक करना है यहाँ पे, है ना. डिलीट ऑप्शन पे जाना है, फिर क्लिक डिलीट शीट रो ऐसे करना है, तो एक्सेल विल डिलीट द रो. तो एक्सेल वो डिलीट भी कर देगा रो को. ओके, हमने इंसर्टिंग का देखा था लास्ट टाइम, अभी डिलीटिंग का भी पढ़ लिया. अब हाइडिंग अ कॉलम एंड रो. Hiding a column and row, that means वो disclose नहीं करना है. कोई भी confidential data है जो किसी के साथ हमको share नहीं करना है तो हम वो hide कर सकते हैं, छुपा सकते हैं, right? So इसके लिए hiding a column and row ये option use किया जाता है. You can hide and column and row in your worksheet to keep your confidential information आउट व्यू ऑफ अदर्स. कोई भी कॉन्फिडेंशियल डेटा है जो किसी के साथ शेयर नहीं करना है तो इसके लिए हम हाइड कॉलम और रो ऐसा ऑप्शन यूज कर सकते हैं. व्हेन यू हाइड कॉलम और रो, इट विल नॉट अपीयर द प्रिंट आउट, है ना. जो भी हाइड की हुई कॉलम है और रो है वो प्रिंट आउट में भी डिस्प्ले नहीं होगी. तो बच्चों हाइडिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, क्लिक ऑन रो और कॉलम दैट यू वांट टू हाइड. जो हमको हाइड करना है वो कॉलम एंड रो को हमको क्या करना है, सिलेक्ट करना है. फिर कहाँ पे जाना है, होम टैब पे जाना है. फिर क्लिक ऑन फॉर्मेट पे जाना है. होम टैब पे फॉर्मेट ये ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना है. क्लिक ऑन हाइड एंड अनहाइड. क्लिक ऑन हाइड कॉलम किया तो कॉलम हाइड हो जाएंगी. क्लिक ऑन हाइड रो किया
तो रो हाइड हो जाएंगी। एक्सेल हाइड्स द कॉलम एंड रो बाय शिफ्टिंग अदर कॉलम्स और रो ओवर। फिर वो जो भी हाइड किया है रो एंड कॉलम, तो दूसरी कॉलम वहाँ पे उस जगह पे शिफ्ट हो जाएगी, है ना। वो हम देखते हैं प्रैक्टिकली। अनहाइड रो एंड कॉलम, अभी हाइड कर दिया है और फिर से हम उसको अनहाइड भी कर सकते हैं। अगर वो काम हो गया है और अभी मुझे कुछ डेटा इंफॉर्मेशन चाहिए है तो मैं अनहाइड भी कर सकती हूँ। क्लिक ऑन द कॉलम और रो नेक्स्ट टू हाइड कॉलम, नेक्स्ट टू हिडन कॉलम, है ना। जो भी कॉलम हमने हाइड कर दी है उसके नेक्स्ट मुझे क्लिक करना है और फिर क्या करना है, होम टैब पे जाना है, फॉर्मेट पे जाना है, हाइड एंड अनहाइड ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन वी गेट फाइनली अनहाइड रो एंड अनहाइड कॉलम्स। एक्सेल डिस्प्ले द फुल कॉलम्स एंड रो अगेन। फिर से हम एक्सेल को रो एंड कॉलम फिर से दिखा सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, कैसे, अनहाइड ऑप्शन से। गॉट इट बच्चों? तो चलो प्रैक्टिकली देख लेते हैं। यस बच्चों, तो हम पहले कहाँ से करेंगे? यस, हमको अभी डिलीट रो एंड कॉलम पहले देख लेना है। तो मैं कहाँ पे जाऊंगी, पहले तो ये मैं ए ऑप्शन है ना, बी ऑप्शन है, चलो बी बी कॉलम को मैंने सिलेक्ट किया और फिर क्या करूंगी, होम टैब पे जाऊंगी। फिर कहाँ पे जाना है, यस डिलीट ऑप्शन पे जाना है। कहाँ पे जाना है, डिलीट, यस मैंने कॉलम सिलेक्ट किया है यहाँ पे, इसलिए डिलीट कॉलम का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मेरा ये कॉलम हाइड हो जाएगा, अरे डिलीट हो जाएगा और उसकी जगह पे दूसरी कॉलम शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। सी, पहले अंडू करती हूँ। यहाँ पे क्या था, एक इंफॉर्मेशन गैदर थी जो एड्रेसेस लिखे हुए है, ये कॉलम को मैंने सिलेक्ट किया और फिर डिलीट ऑप्शन पे गई, है ना। डिलीट ऑप्शन पे ये डिलीट शीट कॉलम आ गया, यस उस पर क्लिक किया तो डिलीट हो गया और वही बी कॉलम पे मेरा आगे का इंफॉर्मेशन शिफ्ट हो गया। गॉट इट? तो ये रहा डिलीट कॉलम, राइट। अभी डिलीट रो करेंगे तो मैं रो फिफ्थ सिलेक्ट करती हूँ, उसको मैं फिर से कहाँ पे जाऊंगी, यस डिलीट पे जाऊंगी। एंड देखो बच्चों, जैसे ही मैंने रो सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे डिलीट शीट रो आ रहा है, इस पर क्लिक करूंगी तो मेरा फिफ्थ नंबर गायब हो जाएगा, पर वहाँ पे क्या आ जाएगा, यस नेक्स्ट जो डेटा है वो मूव हो जाएगा, राइट। ये देखो यक्ष था, राइट, इसको मैंने डिलीट किया तो यक्ष के जगह पे हर्षित ने जगह ले ली, है ना। गॉट इट? तो डिलीट ऑप्शन हमने पढ़ लिया, डिलीट कॉलम एंड रोज। अभी हाइड करना है, अभी मुझे ये नंबर सी कॉलम मुझे हाइड करना है तो मैं क्या करूंगी बच्चों, यस सी कॉलम को सिलेक्ट करूंगी और कहाँ पे जाना है, यस व्यू में, फॉर्म में, फॉर्मेट में जाना है, होम टैब में ही इंसर्ट। फिर क्या है बच्चों, यहाँ पे दिख रहा है, देखो इंसर्ट है, फिर क्या है डिलीट और फिर फॉर्मेट। अभी फॉर्मेट में जाके बच्चों यहाँ पे हाइडिंग का ऑप्शन है, ये देखो हाइड एंड अनहाइड का ऑप्शन दिख रहा है, यस तो मैं हाइड ड्रॉ करूंगी। जैसे ही हाइड ड्रॉ करूंगी
वैसे मेरा सी कॉलम हाइड हो जाएगा। ओके सॉरी, मैंने रो पे हाइड किया है तो मेरी सब रो हाइड हो गई है, मुझे उसको अनहाइड करना पड़ेगा। तो अनहाइड रो, तो सब रो आ गई। अभी मुझे सी कॉलम को हाइड करना है, तो हाइड कॉलम पे क्लिक कर रही हूँ। तो देखो बच्चों, यहाँ पे बी के बाद क्या आ रहा है? यस, डायरेक्टली डी है ना, बी के बाद डायरेक्टली डी आ रहा है क्योंकि सी हाइड किया हुआ है। देखो अभी डी को मुझे अगर हाइड करना है तो मैं डी पे जाऊंगी, फॉर्मेट पे जाऊंगी एंड हाइड कॉलम पे जाऊंगी। तो देखो बच्चों, बी के बाद डायरेक्टली ई आया क्योंकि सी एंड डी मैंने हाइड कर दिया है। और वही अगर मुझे अनहाइड करना है तो मैं फिर से होम टैब पे, फॉर्मेट टैब पे जाके अनहाइड करूंगी। देखो बच्चों, यहाँ पे अनहाइड रो एंड अनहाइड कॉलम भी है, तो अनहाइड किया तो डी आ गया। यस, और फिर से अनहाइड करूंगी तो सी भी आ जाएगा, अनहाइड कॉलम सी। डी को मैंने सिलेक्ट किया एंड अनहाइड कॉलम आ गया बच्चों। नो, यस, गॉट इट। सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट पे जाना है एंड अनहाइड करना है तो कॉलम आ जाएगा, है ना। और डायरेक्टली हम ये अनहाइड एंड हाइड कर सकते हैं। यस, इस पे क्लिक करके अनहाइड भी कर सकते हैं, राइट। राइट क्लिक करके, यहाँ पे हाइड है तो हाइड हो जाएगा, अनहाइड है तो अनहाइड हो जाएगा। तो हाइड एंड अनहाइड भी हमने पढ़ लिया है, राइट। नाउ नेक्स्ट, चेंजिंग द कॉलम विड्थ। यू मे वॉन्ट टू एडजस्ट द विड्थ ऑफ द कॉलम ऑन द वर्कशीट। यू मे वॉन्ट एडजस्ट द विड्थ ऑफ द कॉलम वर्कशीट फॉर डिस्प्लेइंग द डेटा प्रॉपरली विद द स्पेशली ट्रू डेटा डिस्प्लेइंग इन द सेल टू ब्रॉड टू बी कंप्लीटली व्यू। कंप्लीट व्यू करने के लिए, फॉर्मेटिंग के लिए चेंजिंग द कॉलम विड्थ हम करते हैं, राइट। विद इन अ स्टैंडर्ड कॉलम विड्थ हम एडजस्ट कर सकते हैं। यू कैन रिड्यूस, हम रिड्यूस भी कर सकते हैं कॉलम विड्थ को। इफ द डेटा इन द सेल ऑफ द कॉलम कंसिस्टिंग ओनली वन और टू डिजिट, है ना, तो हम कॉलम की विड्थ भी कम कर सकते हैं। अ नैरोअर कॉलम एनहांस और अपीयरेंस ऑफ योर वर्कशीट बाय हाइडिंग अननेसेसरी वाइट स्पेस और मूविंग रिलेटेड द पीसेस ऑफ डेटा क्लोजर। जैसे कि हमको कॉलम में बहुत सारी जगह है और हमारा डेटा बहुत छोटा है तो हम उसकी विड्थ भी चेंज कर सकते हैं, राइट। वो करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? टू चेंज द विड्थ ऑफ द कॉलम स्पेस, प्लेस द माउस ओवर अ राइट एज ऑफ द कॉलम हेडिंग। पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जो कॉलम की हमको विड्थ करनी है तो कॉलम के इस पे सेलेक्ट करके हमको ये एरो सेट करना है माउस से। ड्रैग द कॉलम एजेस अंटिल डॉटेड डिस्प्ले द कॉलम विड्थ you want,
जितना कॉलम हमको चाहिए है उसको हम ड्रैग करके बढ़ा सकते हैं और ड्रैग करके कम कर सकते हो, है ना। तो कॉलम डिस्प्ले न्यू विड्थ, तो वो न्यू विड्थ हमको मिल जाएंगी, राइट। ओके, चेंजिंग द रो हाइट, यू कैन ऑल्सो चेंज द हाइट ऑफ द रो बिसाइड एडजस्टिंग द विड्थ ऑफ द कॉलम इन योर वर्कशीट। जैसे ही हम कॉलम की विड्थ चेंज कर सकते हैं बच्चों, वैसे ही हमको रो की भी हाइट विड्थ चेंज कर सकते हैं। इट हैज़ मेनी यूजेस, कैन एनहांस लुक योर वर्कशीट बाय एडजस्टिंग द कॉलम विड्थ। टू चेंज द हाइट ऑफ द रो पोजिशन, द माउस पॉइंटर ओवर द बॉटम एज ऑफ द रो हेडिंग, द माउस पॉइंटर चेंजेस। जैसे ही माउस पॉइंटर यहाँ पे आ जाता है रो के हेडिंग पे, तो ऐसा क्रॉस दिखाई देगा और उसको ही हमको ड्रैग डाउन करके उसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं। ड्रैग रो अंटिल द डॉटेड लाइन डिस्प्ले द डिजायर रो हाइट, जहाँ तक हम बढ़ा सकते हैं रो की हाइट, तो वो डॉटेड लाइन आएंगी, उसको हमको अलाइनमेंट करनी है, तो उतनी हमारी रो की न्यू हाइट हो जाएंगी, राइट। उसके लिए क्या करना है, क्लिक ऑन द नंबर ऑफ रो दैट वी वांट टू सिलेक्ट, द माउस पॉइंटर अपीयर इट्स शेप, ऐसा माउस पॉइंटर चेंज हो गया, उसका शेप चेंज हो जाएगा। सिलेक्ट द मल्टीपल रो, प्लेस योर माउस पॉइंटर ओवर द नंबर ऑफ द फर्स्ट रो यू वांट टू सिलेक्ट, then drag the mouse pointer until you highlight all row you want to select, है ना। जैसे ही उसको select कर देंगे तो पूरी row highlight हो जाएंगी, got it बच्चों। now select column, तो select column में क्या करना है, column को select करना है, माउस पॉइंटर ऐसे पूरा चेंज हो जाएगा, ऐसे एरो दिखेगा, और सिलेक्ट द मल्टीपल कॉलम्स पोजीशन माउस पॉइंटर ओवर द लेटर फर्स्ट कॉलम यू वांट टू सिलेक्ट, माउस कॉलम को भी हम एरो से सिलेक्ट कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, जितने भी कॉलम हमको सिलेक्ट करने हैं उतने हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्टिंग द ग्रुप ऑफ सेल भी कर सकते हैं, एक साथ मुझे सब रो और कॉलम सिलेक्ट करना है तो मैं माउस को ड्रैग करके होल्ड करना है तो हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। कैसे वो हम अभी देख देते हैं। सिलेक्टिंग द ग्रुप ऑफ सेल, प्लेस योर माउस पॉइंटर ओवर द फर्स्ट सेल यू वांट टू सिलेक्ट, ड्रैग द पॉइंटर अंटिल यू हाईलाइट द सेल। To select the multiple groups of cell and hold down to control keys, repeat the step 1 and step 2 the cell you want to select. बच्चों जो भी हमको कॉलम और रो एक साथ सिलेक्ट करनी है तो हम वो माउस से ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। चलो प्रैक्टिकली देख लेते हैं बच्चों। अभी प्रैक्टिकली हम देखेंगे, अगर रो की हाइट मुझे चेंज करनी है तो मैं सिलेक्ट करूंगी, रो को ड्रैग करूंगी, रो को मूव करूंगी तो ओरिजिनल पोजीशन आ गया। अभी अगर मुझे कॉलम को सेट करना है तो कॉलम को सिलेक्ट करूंगी, साइड में जाऊंगी, ये एरो देखो कर्सर चेंज हो गया, इसको मैं मूव करूंगी तो बड़ा हो जाएगा, यस ये रहा, मूव करूंगी बड़ा हो गया, छोटा करना है तो छोटा भी कर सकते हैं, राइट। तो कॉलम एंड रो की विड्थ भी हमने कर दी। अभी मुझे एक साथ कॉलम सिलेक्ट करना है तो ये प्लस साइन दिख रहा है, कर्सर चेंज हो गया, है ना। और वही दो कॉलम एक साथ करना है सिलेक्ट तो भी कर सकते हैं, है ना। अभी यस बच्चों आगे हम देखेंगे व्यू मेनू। व्यू मेनू में क्या है,
is the last menu of MS Excel. Let us learn some features of view menu. Usme grid line hai. Grid line are the faint lines appear around the cell. They are distinguish the cell on the worksheet. Grid lines hoti hai. To hide the grid line on the worksheet, follow the step given below. अगर हमको ग्रिड लाइन को रिमूव करना है तो हमको क्या करना है, व्यू टैब पे जाना है, शो ग्रुप में जाना है एंड ग्रिड लाइन को चेक्स बॉक्स में सिलेक्ट करना है ना, तो वो रिमूव हो जाएंगी. फिर क्या करना है, टू शो, अगर दिखाना है ग्रिड लाइन को दिखाना है तो हम फिर से क्या करेंगे, व्यू मेनू में जाएंगे, शो ग्रुप में जाएंगे, ग्रिड लाइन चेक्स बॉक्स में जाएंगे, है ना, ये रहा ग्रिड लाइन, सिलेक्ट करेंगे तो ग्रिड लाइन दिखेंगी. फ्रीज कॉलम एंड रो, कोई भी कॉलम हमको फ्रीज करनी है ना, स्टेबल करनी है, तो उसके लिए ये ऑप्शन यूज किया जाता है. यू कैन फ्रीज रो एंड कॉलम इन योर वर्कशीट सो दैट विल नॉट मूव. दीज अलाउ टू कीप द रो एंड कॉलम लेबल डिस्प्ले ऑन योर स्क्रीन एज यू मूव थ्रू द लार्ज वर्कशीट. जब बहुत सारा डेटा होता है और हमको फर्स्ट कॉलम फिक्स चाहिए या फर्स्ट रो फिक्स चाहिए, दैट टाइम हम फ्रीज कॉलम एंड रो का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं. एक्सेल विल फ्रीज रो एंड रो अबो एंड द कॉलम टू लेफ्ट टू द सेल यू सिलेक्ट. एक्सेल हमेशा अबो यानी जो भी सिलेक्ट करते हैं उसके ऊपर वाली रो को वो फ्रीज करता है एंड जो भी कॉलम करेंगे उसकी लेफ्ट साइड वाली कॉलम को फ्रीज करता है. ये फ्रीजिंग के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, व्यू टैब पे जाना पड़ेगा, फ्रीज पैन पे जाना पड़ेगा. और जब फ्रीज पैन पे गए ना, तब हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन. बच्चों अभी हॉरिजॉन्टल लाइन अपीयर्स इन योर वर्कशीट, जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन अपीयर्स होगी वहां से हमको क्या करना है, मूव डाउन करना है. द रो अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन आर फ्रोजन. द रो रिमेन ऑन द स्क्रीन एज यू मूव थ्रू योर वर्कशीट. टू मूव थ्रू द रो बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, क्लिक ऑन अप एरो एंड डाउन एरो बटन. बच्चों ये अभी हम कल देखेंगे कि कैसे क्या प्रैक्टिकली, मैं कल बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन कैसे फ्रीज करेंगे. ये पार्ट प्रैक्टिकली हम कल देखते हैं. यहाँ पे हमारा ये पार्ट क्लोज होता है. मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. टिल देन हैव अ ग्रेट डे. बाय.